यहाँ प्रेजेंट है कि दे आर इंशाल्लाह जॉइनिंग अ पॉलिटिकल मूवमेंट एंड होपफुली इन द कमिंग डेकेड्स विल प्ले अ पिवोटल रोल, अ ग्रेट रोल इन कंट्रीब्यूटिंग टू द स्टेट ऑफ जेएनके, टू द पॉलिटिक्स ऑफ जेएनके, टू द पॉलिटी ऑफ जेएनके. और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये शुरुआत है, जो ये कारवां है बदलाव का, ये अब शुरू हो चुका है इंशाल्लाह. और जिस हद तक भी कोशिश है उस हद तक हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जम्मू कश्मीर, उसमें जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस एक कंस्ट्रक्टिव रोल अदा करे और नेविगेट करे किसी तरीके से जो ये ट्रबल्ड वाटर्स हैं, जो मुश्किल हैं उसके बाद. मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ तीनों सीनियर लीडर्स को. एमएलए रह चुके हैं, एमएलसी रह चुके हैं, कैबिनेट में रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात कंट्रीब्यूट किया है जहाँ भी रहे. हमारे लिए मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत खुशी, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का हम सारी बात कर सब आज अलहमदिल्ला यहाँ शामिल है. ये था हमारा, इसलिए हमने आपको साहब अभी एक घंटा पहले सोपोर में जो सरस का भी अटैक हुआ, जहाँ एक आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दीज थ्री ग्रेट कंट्रीज जो ज्वाइन टूडे. बाकी बाकी जो सियासी बातें इनके लिए हो रही है, आई डोंट वॉन्ट टू हैपन. वी वॉन्ट दैट दीज थ्री पीपल हैव जॉइंड द पॉलिटिकल मूवमेंट, दीज थ्री ग्रेट लीडर्स हैव जॉइंड द पॉलिटिकल मूवमेंट, दे आर बिल्डिंग देयर एक्सपीरियंस, देयर कैपेसिटीज, देयर लर्निंग कर्व टुगेदर इंशाल्लाह फॉर द पीपल. सो व्हाट इज द प्राइम रीजन फॉर लीविंग देयर? हां बाजार जी पूछिए पूछिए. So what is the primary reason for you, Nehruji's party, to join Sajjad Samiti? What is the main reason? This question is to Khurshid Alam and Peer Mansoor Sahib. नहीं सवाल थोड़ा लंबा है, मैं जवाब भी थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कम देने. What is the reason, main reason for leaving PDP and joining Sajjad Sahib? Sajjad Sahib मेरे कैबिनेट के कलीग भी रह चुके हैं और इमरान साहब भी रह चुके हैं. वहाँ रहकर जो हमने अंदर जूझा, कैबिनेट में बैठ के काम किया, या दिक्कतें या मुश्किलात आईं, वो सारा एक्सपीरियंस लेके, लेकिन हमने हार नहीं मानी, हम काम करते गए. उस पर शायद तफसील से कभी मैं बता दूंगा आपको, आज शायद उस तफसील बताने का मौका नहीं है. लेकिन फिर जब एक सिलसिला चला, कुछ सियासी नज़रियात जो हैं वो आपस में टकराने लगे, सोच टकराने लगी. मैंने उस दिन भी कहा था कि उनकी सोच बहुत ज़्यादा है, मेरी कम है, इसलिए मैं किनारा किसी करता हूँ. लेकिन उसके सियासी वजूहत होते हैं जो थे, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि मुझ पर लोगों ने या अपनी पार्टी ने जिम्मेदारी दी कि मैंने कुछ असलूबी के साथ निभाई. तफसील कभी बता दूंगा इंशाल्लाह. उसके बाद जब असेंबली तहलील हुई शायद 19 नवंबर 2018 को, मैं उन तमाम लीडरों का आज मौका मिला शुक्रिया अदा करूँगा जो मेरे पास आए अपनी पार्टी, उस अपनी पार्टी के, यानी अपनी मीन्स पीडीपी के. और बहुत सारे लोग आए, हमने ये कहा कि हम एक नई पार्टी बनाएंगे. मेरे पास आए कई बार, मुझे कहा, उनका बड़ा फन था, हालांकि मैं इस लाइक खुद को समझता नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक बुनियाद पर उस चीज़ को रद्द नहीं कहूँगा, मैं कौन होता रद्द करने वाला, लेकिन मैंने नकारा कि मैं इस चीज़ के खिलाफ तब भी था, आज भी हूँ, कि कोई नई पार्टी यहाँ वजूद में आए, क्योंकि हमारा वोट बढ़ता है. ये मेरा एक्सपीरियंस है, शायद पट्टी टॉप से आगे का वोट नहीं बढ़ता है, लेकिन हमारा वोट बढ़ता है. मैं जाती तौर इस चीज़ के खिलाफ था, इसलिए मैंने उनकी जो ख्वाहिश थी उस पर पूरा मैंने कहा नहीं. मैंने आनंद फानंद या कायक मैंने फिर उमर साहब को ज्वाइन किया था, लेकिन हालात थोड़ा सा बदल गए, बहुत बदल गए. आपने मेरे इंटरव्यूज शायद 3 महीने से देखे होंगे, मेरे बयान भी देखे होंगे. और मैंने कल भी कहा, जहाँ मैं अपने साथियों के साथ मीटिंग में था, मैंने उनसे कहा कि मैं बहुत खुश था, वहाँ पर इज्जत भी थी, एहतराम भी था, ताल्लुकदारी भी थी, इंसानी रिश्ते भी थे. लेकिन जब एक सियासी जमात में इंसान जाता है, वहाँ पर आप सिर्फ अपने आराम के लिए नहीं जाते हैं. जब तक आपका जहन काम ना करे, सियासी तौर का इस्तेमाल ना हो, डिस्कोर्स ना हो, बहुत सारी चीज़ें ना हो,
क्योंकि कल को मुझे अपने घर में भी अपने बेटे से जवाब देना है कि भाई तुमने क्या किया या क्या कर रहे हो। तो उस सोच को लेकर, उस सूरत हाल को लेकर मेरे पिछले इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स इस चीज के हमाजी करते हैं, गवाह है कि मैंने क्यों किनारा कशी इख्तियार कर ली। एवरीबडी हु इज देयर, उसमें कोई शक नहीं। अब इधर क्यों आया मैं, इधर एक वजह यह है कि आज भी हम बहुत सारे लोग थे, शायद वो अभी नहीं है हमारे साथ या मे बी ना भी आ जाएं, बट इंसिस्ट किया हम पार्टी बनाए, ये गवाह है मंसूर साहब। कई लोगों ने उस पार्टी का नाम भी लिखा, हमें भेजा और एक, आप हैरान होंगे, एक झंडा भी बना दिया कलर करके, वो भी मेरे पास है। फिर भी हमने ये नहीं, इसलिए नहीं किया कि वोट बटेगा, हम नहीं चाहते। तो मेरी सोच थी, हम सबकी सोच थी कि हम किसी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म को एक्सप्लॉइट करें, इस्तेमाल करें, वहां पे काम करें, ताकि जिस चीज के निकले हैं लोगों की खिदमत करने के लिए वो करेंगे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये है जो मैं बताना चाहूंगा, बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि हमारा, मैं बड़ा कैंडिड हूँ, मैं बोलता हूँ, जब भी बोलूंगा वैसे बहुत कम बोलता हूँ। जब भी हम जलसों में जाते हैं, जब भी हम तकरीरें करते हैं, तो हम बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बहुत बड़ी बातें करते हैं। जब आपको करने की बारी आती है तो आप उस वक्त उसमें पर्दा डालते हैं। मैंने ये चीज़ नहीं की जब मैं मिनिस्टर था, चाहे लॉ मिनिस्टर था, चाहे रेवेन्यू रिलीफ था, चाहे मैं कस्टोडियन मिनिस्टर था, मैंने वो नहीं किया। मैंने वही किया जो मैंने जलसों में कहा था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, उसने मुझे हिम्मत दी कि मैंने कर दिया, कभी तफसील बता दी। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ कि मेरे उस पीडीपी के कलीग्स कुछ मिनिस्टर्स थे, हमने कुछ अच्छा काम किया था जो हम कहते हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की, उन्होंने हमारे खिलाफ माजराई की, यहाँ तक कि मेरे एक सेक्रेटरी को अपने रूम में बुला के उसको लताड़ा। ये सजाद साहब थे उस वक्त, ये मेरे पास आए, हालांकि मेरी जमात के साथ थे, कैबिनेट में थे, मेरे पास आए, मेरे साथ आए, मेरी दिलबरी की, मुझे हौसला दिया और ये कहा कि कम से कम मेरा साथ दिया कि आपने जो किया अच्छा किया, जो आपके साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। वो चीज़ एक सिल्वर लाइनिंग होती है कि जहाँ पे आप अवाम के साथ, लोगों के साथ कोई बात करते हैं, उसके बाद जब आपको करने की बारी आती है, आप उस वक्त अपना ख्याल रखते हैं या अपनी सोच के मुताबिक वो चीज़ नहीं करते। प्रॉबेबली दैट्स वाई आई एम हियर दिस टाइम। प्यार से बात करेंगे एक ही इसमें, थोड़ा सा आप नौजवान भी हो तो कुछ हम कश्मीरियों को आते पढ़ते कम, तो हालांकि आपको मेरे ज़्यादा पढ़ना चाहिए, आप जर्नलिस्ट, अगर आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री देखें तो उसमें भी बहुत लीडर मिलते हैं, अब निज़ाम साहब, बेग साहब, गुलाम मजीद सोफी साहब, जो लोग पी डी पी में गए थे ना तब सारे, अकबर लोन साहब एन सी में गए थे। So it is not something new, people move up the party, join new party. So, why this propensity to define something out of it? If something defines today people coming to PC, then something must have defined people leaving PC in 2015. The same yardstick sticks would apply then and now. This is a new platform. We are trying to do not a new platform, but this is sort of ये जो लोग जमा हो रहे हैं, ये पहली बार हमारी हिस्ट्री में हो रहा है कि इतने सारे लोग हर रीजन से आ रहे हैं और नए तो खलूस से निकले, that we will do something, we'll try to contribute. So I just hope that we all take it in the same spirit, although it's very difficult. हमारे जो हालात हो, we become very pessimistic and negative now, all of us, because हालात ही ऐसे हैं, क्या करें? लेकिन ये मेरे नेशनल कांग्रेस में मेरे 2 साल 2 महीने और 21 दिन बहुत अच्छे रहे, बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा, मैं बहुत खुश हूँ। 22